Subscribe and press the bell icon for latest update. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं। दावोस में आयोजित हुए विश्व आर्थिक मंच में बोलते हुए पीएम मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। पीएम मोदी के भाषण की जहां कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं तो वहीं विरोधी पक्ष उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। इनमें एक नाम शामिल है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए सवाल पूछा है और कहा है कि पीएम मोदी को कभी कभी सच बात भी बोल लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि क्यों देश की 73% संपत्ति पर सिर्फ 1% पूंजीपतियों का कब्जा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, स्विट्जरलैंड में आपका स्वागत है। कृपया दावोस को बताइए कि क्यों भारत की 73% संपत्ति पर 1% आबादी का कब्जा है। बताते चले आपको, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल पूछने का अपना सिलसिला जारी रखा है। बीते साल हुए गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिलसिलेवार तरीके से कई सवाल पूछे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।